बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त लंग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। संजय दत्त का कैंसर स्टेज 4 पर पहुंच चुका है। वहीं लगातार संजय दत्त को लेकर हेल्थ अपडेट भी सामने आ रही हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही संजय दत्त ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को जानकारी दी थी कि अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने काम से छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जैसे ही ये पोस्ट सामने आया तो संजय दत्त के फैंस हैरान रह गए। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में सामने आया कि संजय दत्त कैंसर से जूझ रहे हैं, जिसके चलते लगातार संजय दत्त के दुनिया भर में फैंस उनकी सलामती की दुआएं मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज भी लगातार संजय दत्त का हौसला बढ़ा रहे हैं और जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। इस बीच अगर बात की जाए संजय दत्त की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो संजय दत्त की पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियों में रही है। संजय दत्त ने अब तक 3 शादियां की हैं। वहीं इस बीच संजय दत्त का नाम बॉलीवुड की कई खूबसूरत हसीनाओं के साथ भी जुड़ा है। आज के समय में संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ बेहद आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब संजय दत्त का नाम बॉलीवुड की कई पॉपुलर हसीनाओं के साथ जुड़ा और इसी लिस्ट में नाम शामिल होता है बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का। माधुरी और संजय ने साथ में कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दी। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी और दोनों ही चर्चा का विषय बन गए थे। वहीं सेट से भी दोनों से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आती रहती थी। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए माधुरी दीक्षित के बारे में, तो माधुरी दीक्षित ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान संजय दत्त को लेकर कई सारी बातें शेयर की और संजय दत्त की तारीफ करती हुई नजर आई। आखिरकार अपने इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित संजय को लेकर क्या कहती हुई नजर आई। माधुरी ने अपने एक इंटरव्यू में संजय दत्त की तारीफ की और कहा, संजय दत्त मेरे पसंदीदा पार्टनर हैं, वो असली जोकर हैं। उनकी कहानियां हमेशा मुझे हंसाती हैं, लेकिन वो जेंटलमैन हैं, वो बेहतरीन इंसान हैं, उनके पास प्यार भरा दिल है, वो इकलौते इंसान हैं जो हमेशा मुझे हंसाते हैं, वो गेम नहीं खेलते और सरल इंसान हैं। इस तरीके से माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त को लेकर तमाम तारीफें की। वहीं माधुरी के इस इंटरव्यू के बाद दोनों की अफेयर की खबरें और भी ज़्यादा तेज हो गईं। जब दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ तब उस दौरान संजय दत्त पहले से ही शादीशुदा थे और खबरें आने लगीं कि संजय दत्त अपनी पत्नी ऋचा को तलाक देकर माधुरी से शादी कर लेंगे और उस समय ऋचा अमेरिका में थी। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऋचा उस समय ब्रेन ट्यूमर का इलाज करा रही थी। वहीं जैसे ही ऋचा और संजय की अफेयर की खबरों को सुना तो जिसके बाद वो मुंबई वापस लौट आई। वहीं 15 दिनों के बाद ही ऋचा न्यूयॉर्क लौट गई और अपने इंटरव्यू में कहा कि वो संजय के साथ रहने आई थी। वेल दोस्तों, इस तरीके से संजय और माधुरी को लेकर लगातार चर्चाएं होने लगी थी। आज के दौर में माधुरी और संजय अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।